साथियों, आज हम आपको बरे ग्राम स्थित भारेश्वर महाराज मंदिर के दर्शन कराने ले चलते हैं। सावन का महीना चल रहा है, ऐसे पवित्र महीने में महाराज भारेश्वर के दर्शन का लाभ उठाएं। ये इटावा जनपद की ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है, जो यमुना चंबल नदी के संगम पर स्थित ग्राम भरे में स्थित है। इटावा कानपुर नेशनल हाईवे पर इटावा से 21 किलोमीटर चलकर बकेवर कस्बा से ऐतिहासिक नगरी माँ कालका की नगरी लखना से होते हुए यमुना नदी पार चकननगर होते हुए भरे ग्राम में स्थित श्री भारेश्वर महाराज जी का मंदिर यमुना व चंबल नदी के संगम पर स्थित है। पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण के अनुसार यह प्राचीन मंदिर 5000 वर्ष पुराना है। माना जाता है कि पांडवों ने के अज्ञातवास के दौरान यहां भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहां पर शिवलिंग की स्थापना की थी। यहां महाभारत कथा में भी पांडवों को का यहाँ समय व्यतीत करना दर्शाया गया है, तथा चीचक वध भी पांडवों द्वारा चकननगर के बिहड़ में किया गया था, जो आज भी प्रसिद्ध है। फिर बाद में ब्रिटिश काल के दौरान नदियों के माध्यम से जब व्यापार होता था, तो उत्तर भारत की नदी के रूप में यमुना तथा मध्य भारत के रूप में राजस्थान से निकली चंबल नदी का महत्व था, जो कि दोनों नदियाँ इसी मंदिर के पास आपस में मिलती हैं। तथा कुछ किलोमीटर बाद तीन और नदियों का मिलन इस नदी से में पचनत के रूप में विख्यात है। यहाँ पर अंतिम भरे के राजा के रूप में श्री निरंजन सिंह जुगदेव का नाम प्रसिद्ध है, जिनका किला मंदिर के पास स्थित ग्राम के बिहड़ में आज भी अवशेष के रूप में स्थित है। इसकी 101 सीढ़ियों वाला पहुँच मार्ग व उसी के समानांतर पैदल मार्ग भी ऊँचाई पर स्थित श्री भारेश्वर महाराज के दर्शन हेतु पहुंचा जा सकता है। ये मंदिर के आसपास का बीहड़ व नदियों का किनारा, जिसके पास में ही मंदिर स्थित है, आए चलते हैं, देखते हैं भरे ग्राम में स्थित श्री भारेश्वर महाराज जी का प्रसिद्ध मंदिर। ये आपकी यमुना नदी है, जो इडावा से होकर आती है, और इसका मिलन इस नदी के पास ही चंबल जो बहती हुई आ रही है, आप सामने आप दिखाई दे रहा होगा। ये हम पहुंच गए हैं भारेश्वर महाराज की मंदिर की सीढ़ियों पर। ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, ये नीचे से जो है सीढ़ियां गई हुई हैं। एक तो रास्ता सीढ़ियों से होकर जाता है, और एक रास्ता जो है पैदल वाला है, जो सीधा रास्ता जाता है। चलिए हम पैदल वाले रास्ते से चलते हैं। ये मंदिर के नीचे के का बिहड़ है, ये रास्ता गया है ऊपर। मंदिर की सीढ़ियाँ लगभग 101 से ऊपर हैं, क्योंकि इधर से जाने में थकान भी हो सकती थी, तो ये मंदिर का रास्ता पैदल वाला हमने चुना। ये आपका नदी का किनारा है, सामने ये छोटा सा एक मंदिर दिखाई दे रहा है आपको। ये छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं मंदिर के जस्ट बगल में नीचे की ओर। पास में ये गांव है, बिहड़ दिखाई दे रहा है।
मौसम बड़ा सुहावना है, धूप हल्की हो चुकी है, शाम का टाइम है, क्योंकि इधर से रास्ते में चढ़ने में जो है आसानी भी होगी। पहुंच गए ऊपर, बादलों का दृश्य बहुत सुहावना लग रहा है। दूर ये नदी दिखाई दे रही है जंगल के किनारे। मंदिर पर जब ऊपर पहुंच जाते हैं तो नदी ये चंबल दिखाई दे रही है। ये हमारा मंदिर का व्यू है, काफी ऊंचाई पर बना हुआ है। ऊंचाई पर रेलिंग, दोनों साइड में रेलिंग वगैरह है। जब मेला लगता है यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। वैसे सावन के महीने में भी काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन चूँकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है ज़्यादा लोगों को आने की इजाज़त नहीं है, इस वजह से भीड़ भाड़ कम है। सामने ये चंबल दिखाई दे रही है, ऊपर चलकर हम आपको दिखाएंगे कि जो है एक तरफ से यमुना आ रही है, दूसरी तरफ से चंबल, दोनों का यहाँ मिलन होता है, संगम होता है। उसी संगम पर मंदिर स्थित है भारेश्वर महाराज का। ये देखिए आपको पीछे दिखाई दे रहा हो, ये यमुना नदी है इस साइड में, और उधर आपके चंबल की, ये दोनों जो है आप सामने जो है संगम होता है इन दोनों नदियों का। ऊंचाई से जो है व्यू काफी अच्छा दिखाई दे रहा है जंगल का, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। जंगल में ही गांव स्थित है, गांव के जस्ट बाजू में जो है भारेश्वर महाराज का मंदिर है। ये इसकी प्राचीनता का एहसास इसी से होता है कि इसमें के मंदिर में जो बनावट है ये काफ़ी जो है प्राचीन लग रही है, क्योंकि नवीनतम मंदिरों में इस तरह की जो है नक्काशी वगैरह नहीं हुआ करती है। भीड़ भाड़ के समय यहाँ बैठने के लिए बेंच वगैरह भी समाज सेवियों ने डलवा रखी है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। देखिए सामने जो है चंबल और यमुना का जो है मिलन हो रहा है, ये सामने आगे ये जो है यमुना हो गई है, इसी के आगे जो है पचनद है जहाँ पांच नदियाँ मिलती हैं, वहाँ जो है पचनदे पर भी एक शिव जी का मंदिर है, वो भी दर्शनीय स्थल है काफ़ी। चलिए आप मंदिर के गर्भगृह की तरफ बढ़ते हैं। मंदिर की ये है प्राचीनतम स्थिति का यही इसी से जायजा लिया जा सकता है कि कितना प्राचीन मंदिर होगा ये, क्योंकि जीर्णोद्धार करके थोड़ा इसको अच्छा बना लिया गया है पहले की अपेक्षा, शेड वगैरह डाल दी गई है। ये देखो मंदिर के बाहर नंदी महाराज विराजमान है। चलते हैं आपको जो है शिव जी की पिंडी के दर्शन कराते हैं। ये पिंडी है, इस पिंडी की ऊंचाई लगभग जमीन से 3 फुट के लगभग होती है, और आकार 24 इंच से 30 इंच के लगभग व्यास है इसका। ये हमारे नंदी जी हैं,
इनकी लंबाई लगभग 4 फीट है और ऊंचाई लगभग 3 फीट के करीब है। जिस पत्थर पर ये विराजमान है वो भी काफ़ी प्राचीन है, संभवतः इतनी बड़ी विशाल पिंडी और नंदीगढ़ इतने नहीं अन्य मंदिरों में मिलते हैं। काफ़ी प्राचीन काले पत्थर का जो है काम है इसमें महाराज की। पुराना होने की वजह से जो है इतना सुंदर नक्काशीदार ये हम मंदिर की बीच सीढ़ियों से बीचों बीच आ गए हैं। मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर रह गया है, हम वापस हो रहे हैं। हम सीढ़ियों के बीचों बीच खड़े हुए हैं, हम नीचे का व्यू देखते हैं। देखिए हमारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ऐसे लग रही हैं जैसे खिलौने हों। देखिए यहाँ से भी लगभग जो है 70-75 सीढ़ियाँ होंगी नीचे, तब हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। बहुत विशाल ऊंचाई है इसकी, हम चूँकि ऊपर से व्यू नहीं समझ में आ रहा था इसलिए ये देखो बगल वाला रास्ता जिससे हम लोग यहाँ से गए थे मंदिर पर, ये रास्ता ऊपर गया है। ठीक इसके जस्ट सीढ़ियों के समानांतर ही है, उसमें ऊंचाई का एहसास नहीं होता है पैदल चलने में, लेकिन सीढ़ियों से जाते में थकान हो जाती है। कुछ लोग पसंद करते हैं सीढ़ियों से जाना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्रों को भी शेयर करें।